ये सानिया कॉलेज जहाँ पे आप पुलिस की भारी नफरी अदाल के अहकाम के बाद इससे सानिया कॉलेज को जो है वो खाली कराने के लिए पहुंची थी। यहाँ पे जब तलबा की जानब से पुलिस पर पथराव का आगाज किया गया तो पुलिस ने फौरी तौर पर जो जवाबी कार्रवाई की, पहले आंसू गैस से शेल फायर किए गए और अब वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ साथ जो तलबा यहाँ पे पथराव में मुलव्वस थे उनको हिरासत में लेने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस पर तलबा को यहाँ से मुतसर करने में जो है वो मसरूफ है। लाठीचार्ज अब तक जो है वो शुरू नहीं किया गया, लेकिन पुलिस को जो है वो हम देख रहे हैं तलबा के पीछे भागते हुए देखा जा सकता है। साथ साथ जो आंसू गैस का इस्तेमाल था वो शुरू किया गया था पुलिस की जानब से ताकि तलबा को जो है यहाँ से मुतसर किया जाए, लेकिन तलबा की जानब से शदीद पथराव किया गया पुलिस पर और पुलिस ने जो है आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए तलबा को जो है वो यहाँ से सानिया गेट के जो मरकजी दरवाजा है जो सानिया कॉलेज का उसको जो है यहाँ से तलबा को जो है मुंतशर कर दिया, उसको यहाँ से खाली करा लिया। जबकि दो तलबा को हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो हिरासत में लिया गया है पुलिस की जानब से जो कि पथराव कर रहे थे। जहाँ पुलिस का कहना है कि अमन को खराब करने की जो है वो किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि तलबा का ये कहना है कि ये एक मादर इलमी है, इसको जो है खाली नहीं कराया जा सकता। यहाँ का दारो तलबा का जो मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, यहाँ से हम तालीम हासिल करते हैं और इसको जो है वो खाली कराने की इजाजत किसी को हर सूरत नहीं देंगे। तो यकीनी तौर पे यहाँ पे जो है वो एक कुछ तशवीशनाक सूरत हाल है। एक तरफ जो है तलबा बड़ी तादाद में मौजूद है, दूसरी जानब पुलिस है जो कि ना सिर्फ शील हाथ में लिए गए बल्कि डंडा बरदार पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। साथ साथ आंसू गैस के जो आंसू गैस का इस्तेमाल है वो भी किया जा रहा है। तलबा को जो है अब जो है वो मुंतशिर कर दिया गया है, तलबा आगे की जानब रवाना हो गए हैं जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो अब इस्लामिया कॉलेज के दरवाजे पर तैनात कर दी गई है। भारी नफरी है जिसका ये कहना है कि यहाँ पे किसी को भी जो है वो अमन की सूरत को तलबा पुरमन तौर पर जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, पथराव या किसी भी सूरत में जो है वो अमन की सूरत के हाल को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि तलबा का ये कहना है कि अगर पुलिस आती है यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकत का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका जो है वो भरपूर मुकाबला किया जाएगा, अपना एहतजाज जो है वो हर सतह पर रिकॉर्ड कराया जाएगा। तलबा अब जहाँ से जो है वो मुतसर हो चुके हैं, पुलिस ने अगर कहा जाए तो यकीनी तौर पर ये दुरुस्त है कि पुलिस ने जो है यहाँ का चार्ज संभाल किया है। भारी तफरी है जिसमें झंडा बरदार पुलिस अहलकार भी शामिल है और आंसू गैस की शेल लिए हुए पुलिस अहलकार जो है वो भी शामिल है। साथ साथ जो शील्ड लिए हुए पुलिस अहलकार हैं जो कि आउटर शील्ड बना के लिए पुलिस का मौजूद है वो भी यहाँ पे मौजूद है। वाटर कैनन को भी स्टैंड बाय यहाँ पे रखा गया है कि अगर तलबा दोबारा यहाँ पे आते हैं तो दोबारा से वाटर कैनन का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, तलबा को जो है मुंतशिर किया जाएगा। तो पुलिस की भारी नफरी है जो यहाँ पे मौजूद है। तलबा जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, टायर जला रहे थे और इन्होंने जो है वो पथराव भी किया पुलिस अहलकारों पर, उनको जो है वो यहाँ से मुंतशिर कर दिया गया, सूरत हाल को बड़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। जी अच्छा शामिर, ये भी बताइएगा कि अगर इस रोड के ऊपर एहतजाज हो रहा है तो ये काफी जो है वो चलता हुआ रोड है, काफी जो है वो ट्रैफिक का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, ये बताइएगा इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल देखने में आ रही है इस तमाम तरह सूरत हाल के बाद? जी देखिए, ट्रैफिक जो एनजना रोड है वहाँ पे तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो बाहर है, लेकिन जो कनेक्टिंग रोड है जो कि सानिया कॉलेज के साथ से गुजरती है, करीब से गुजरती है, यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है। रुकावटें रखी गई है पुलिस की जान से ताकि कोई भी शख्स जो है वो इस सड़क पे शराब पे नहीं आ सके जहाँ पे जो है तलबा की जानब से एहतजाज किया जा रहा था। जबकि दूसरी जो मरकजी शहरा है वहाँ से ट्रैफिक की रवानी बाहर रखी गई है, किसी किस्म के ट्रैफिक में अब तक जो है वो कोई रुकावट या कहीं पे जो है कोई बंदिश का हमने सामना नहीं देखा है। सानिया कॉलेज के सामने जो कि सर्विस रोड है, कनेक्टिंग रोड है मरकजी रोड की, यहाँ पे जो तलबा आए थे उन्होंने इंतजार भी किया था लेकिन वो भी अब जो है वो यहाँ पे रवाना हो चुके हैं। तो पुलिस इस शराब पे तो मौजूद है, शराब को ट्रैफिक के लिए हाल बंद रखा गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि जैसी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में आ जाती है और किसी किस्म का कोई एहतजाज का डर नहीं होता या जो यहाँ पे अपने अदालती अहकाम को अमल दरामद करने के लिए पुलिस पहुंची है वो मुकम्मल हो जाता है तो पुलिस की नफरी भी यहाँ से जो है वो चली जाएगी, रोड को भी जो है ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शामिर खान, हमें अपडेट कर रहे थे।